दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों को कुछ सर्च करना होता तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली गूगल पे जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो, उसके लिए आप क्रोम खोलते हो या फिर गूगल का जो सर्च का जो विजिट होता है उसमें जाके करते हो। उसके अलावा अगर आपको जो चैट जीपीटी है अगर आपको उसे यूज करना है तो आप क्या करते हो, तब भी आपको क्रोम के अंदर जाना है, वहां पर ओपन एआई सर्च करना है और उसके बाद तब जाके आप चैट जीपीटी यूज कर पा रहे थे। अगर मैं आपको कहूं कि आप ये सभी काम सिर्फ एक ऐप के अंदर कर सकते हो और वो भी एक ऑफिशियल ऐप के अंदर, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब ब्राउजर का काम, सर्च का काम, रिवर्स सर्च मतलब फोटो डाल के आप उसका सर्च कर सकते हो, फोटो को सर्च कर सकते हो, उसके अलावा चैट जीपीटी, ये सारे काम अगर आप एक ही ऐप से कर पाओ, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, कोई मेंबरशिप वाला सिस्टम नहीं है, तो आपको ये कैसा लगेगा? क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं और एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन ऐप मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, जो खुद आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। तो वो ऐप दिखाने से पहले मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी होगी क्योंकि यहीं पर ही सारा का सारा सिस्टम है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, ये ऑन हो चुकी है। और जो ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ ये है बिंग। अब ये माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्च इंजन था, जैसे गूगल का सर्च इंजन गूगल है तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का ही एक बिंग सर्च इंजन था जो हमने काफी ज्यादा यूज किया है विंडोज में। अब ये आ गया है एंड्रॉइड के लिए और ये एक नए अवतार के साथ आया है और सीरियसली भाई अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस चीज को, माइक्रोसॉफ्ट के इस एफर्ट को कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है इस ऐप के बारे में। तो इस ऐप को हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर मेन खास बात क्या है। इसे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पर होम पे आ गया, तो ये है इसका होम पेज। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे न्यूज फीड, जैसे गूगल की जो फीड आती है सेम टू सेम आपको यहाँ पर देखो सारी अपडेट्स मिल रही है। ये देखो सारी की सारी अपडेट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी स्पोर्ट्स की, हालांकि उतनी सिस्टमैटिक नहीं है जितनी गूगल की है। अब इसे उस गूगल के लेवल या गूगल को टक्कर देने के लिए थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। चलो इनिशियल स्टार्ट है तो यहां पर हम इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये है इसका इंटरफेस। ऊपर देखो आपकी आईडी शो करेगा, यहां पर आप अपने जीमेल से लॉग इन करोगे, तो गूगल वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर जीमेल से लॉग इन करोगे। उसके बाद देखो सर्च और टाइप यूआरएल, तो यहाँ पर आपके पास गूगल सर्च का जो विजिट है वो आ गया है। और यहाँ पर टॉप राइट में देखो यहाँ पर एक गूगल लेंस वाला आइकन बना हुआ है, इस पे अगर आप टैप करते हो तो आपकी गैलरी आ जाएगी और उसके बाद आप अपनी गैलरी की इमेज को ही सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप सभी के साथ लाइव कोई एक इमेज दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर इस इमेज को सर्च कर लेते हैं, देखते हैं ये इमेज को सर्च कर पाता है नहीं कर पाता। तो सर्च फील मैंने लगा दिया है, रिजल्ट यहां पर आ रहे हैं। अब देखो यहां पर ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये उतना सोफिस्टिकेटेड काम नहीं करता जितना गूगल करता है, लेकिन अब स्टार्ट है तो स्टार्ट के हिसाब से देखो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म ये कर रहा है, तो ठीक है यार हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इसे। तो ये है इसका गूगल का। उसके बाद ये वॉइस सर्च का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो एक काफी अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके नीचे हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो नीचे देखो सबसे पहले है होम बटन, उसके बाद न्यूज का सेक्शन मिलता है, तो आपको लेटेस्ट न्यूज भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगी, जो एक काफी बढ़िया चीज लगी। तो मतलब एक ऑल इन वन सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया है, जो एक काफी तगड़ी चीज मेरे को लग रही है फिलहाल के लिए। अभी जो इसका सबसे एक्साइटिंग पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर ये बीच में है इसे मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग पार्ट है इसका। ये है टैब्स, तो यहाँ पर जितने भी टैब आपके खुले होंगे तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा, वही क्रोम ब्राउजर का एक सब्स्टिट्यूट आ चुका है आपके लिए। एप्स के अंदर आप जाओगे तो भाई साहब देखो सेम टू सेम गूगल की तरह है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा माइंड बना लिया कि गूगल को टक्कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास सब कुछ आ गया है, बिंग इमेज क्रिएटर, कम्यूट, डाउनलोड, गेम्स, हेल्थ, इमेज, मैथ, मनी, नियर बाय, न्यूज, वन ड्राइव, रिवॉर्ड, स्पोर्ट्स, ट्रांसलेटर, यूनिट कन्वर्टर, वॉलपेपर, और ये देखो रिवॉर्ड्स, वॉलपेपर, ये सब आपको यहाँ पर मिल रहा है इसके ऐप सेक्शन के अंदर। अगर आप चाहते हो मैं इसका ऐप सेक्शन को एक्सप्लोर करूं, इसके जितने ऐप्स हैं वो सारे के सारे एक्सप्लोर करके एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। अब बात करते हैं इसके एक्साइटिंग पार्ट की, वो है इसका इनबिल्ट चैट जीपीटी।
देखो यहाँ पर सेंटर के अंदर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है वी बना हुआ है, ये ब्लू आइकन में, ये है चैट जीपीटी का ऑप्शन, इस पे हम टैप कर दिया मैंने यहाँ पर। तो देखो अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने इस पे टैप किया है तो नीचे लिखा रहा है हाय अगेन आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विद एनीथिंग, हाउ कैन आई मेक यू मेक योर डे बेटर। अब यहाँ पर हम करते हैं टैप और मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज योर कैपेबिलिटी है, व्हाट इज योर कैपेबिलिटीज। अब देखना यहाँ पर, हालांकि इसके अंदर एक चीज फिलहाल है कि ये थोड़ा सा स्लो काम करता है ओरिजिनल चैट जीपीटी से, लेकिन चलो एक अच्छी बात है यार कि आपको ये सब एक ही ऐप के अंदर मिल रहा है, तो वो एक काफी तगड़ी चीज है। अब देखो ये जनरेट कर रहा है, बीइंग चैटबॉट कैन सर्व अ चैट टूल, देखो यहाँ पर सब कुछ दे रहा है। और एक और अच्छी बात है, ये साथ के साथ आपको रेफरेंस भी देगा, मतलब इसने डाटा कहाँ से उठाया है उसके आपको यहाँ पर रेफरेंस भी दे रहा है। ये देखो ये प्लस मोर, ये देखो ये ब्लू में लिख रहे हैं ना, ये सब आपको यहाँ पर रेफरेंस भी दे रहा है जो कि चैट जीपीटी के अंदर मिसिंग है। मतलब वहां पर आपको डाटा शो कर देता है लेकिन आपको रेफरेंस नहीं देता, यहाँ पर आपको प्रॉपर एकदम कि भाई मैंने कहाँ से क्या डाटा लिया है वो सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक प्रॉपर राइट आर्टिकल ऑन ग्लोबल वार्मिंग, अब देखना यहाँ पर क्या करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया राइट एन आर्टिकल ऑन ग्लोबल वार्मिंग। आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना जनरेट करने में आप सभी के सामने की बात है थोड़ा सा स्लो है जनरेट करने में। अब यहाँ पर देखो सर्चिंग फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर्टिकल, आप देखो यहाँ पर ये दे रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज द फिनोमिनल ऑफ इंक्रीजिंग, और ये देखो ये पूरा आर्टिकल लिख रहा है और कहां कहां से डाटा ले रहा है वो नीचे ये रेफरेंसेस भी बता रहा है। तो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भाई बहुत तगड़ा सिस्टम है ये। देखो यहाँ पर उन्होंने सारा लिख दिया है, मैं दोबारा से लिखता हूं इसे, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं राइट आर्टिकल ऑन ग्लोबल वार्मिंग इन 1000 words। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है ये। तो 1000 words के अंदर देखते हैं कि ये प्रॉपर लिख पाता है या नहीं लिख पाता। तो देखो श्योर आई कैन हेल्प यू राइट एन आर्टिकल ऑन ग्लोबल वार्मिंग, तो स्पेसिफिक बोल रहा है कि भी आप क्या क्या स्पेसिफिक इसके अंदर बताना चाह रहे हो। तो ये एक तरह से चैट जीपीटी का फीचर है और मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि भाई इसे आप इंस्टॉल करो, ट्राई करो, देखो यूज करके कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और नीचे इस वीडियो का कमेंट करके मेरे को जरूर बताना अगर आपने इसे यूज किया है, आपने इसे एक्सपीरियंस किया है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके हिसाब से, क्या आपको ये बेटर लगा है कि ये तीनों चारों चीजें आपको एक ही पॉइंट पे मिल गई है या फिर आपको ये अलग अलग यूज करना पसंद था। जो भी कुछ है नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और इसकी डिटेल वीडियो भी चैनल पर बहुत जल्दी आने वाली है, तो बने रहो चैनल के साथ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।